नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोशी बाग बगीचा में। आज मैं आपको गुड़हल की कलम कैसे लगाते हैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक गुड़हल के पेड़ से एक टहनी ले लें, जो कि कम से कम पेंसिल के आकार की हो, इस तरह की। करीब करीब ये 1 या 1.5 साल की होगी, तो लंबाई में कम से कम 5-6 इंच लंबा रखें। फिर इसको एक चाकू की मदद से इसको छील लें नीचे से, ताकि इसमें से रूट निकलेगी। इस तरह से इसको छील लें। ये हमारी कलम तैयार होगी। इसमें से अब अंकुर निकलेंगे। तो इसको हम एक नर्सरी वाली जो काली वाली जो थैली होती है उसमें लगाएंगे। तो बीचों बीच में इसको लगाएंगे, फिर इसको दबा देंगे अच्छे से। इसको दबा देंगे, मिट्टी भी अच्छे से दबा देंगे, ताकि ये हवा हवा से हिले ना, इस तरह से। तो इसको दबा देंगे। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, इसमें मिट्टी ऑलरेडी गीली है, बरसात में ये लगा रहे हैं। अगर बरसात में अगर लगाते हो तो इसमें पानी की कलम लगाने का सबसे अच्छा सीजन में जून जुलाई अगस्त ही होता है। बरसात के मौसम में आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें 100% रिजल्ट मिलता है। फिर इसको हम पन्नी की मदद से ढक देंगे ऊपर से, कुछ इस तरह से इसको पूरा कवर कर दें, ताकि इसके अंदर कोई हवा और पानी ना जाए, जिससे कि ये ख़राब ना हो, इस तरह से। फिर इसको हम रखेंगे छाया में रखेंगे, इसको धूप में नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो ये सूख सकती है, इसलिए इसको छाया में ही रखें। आज पूरे 20 दिन हो गए हैं, तो आप इसको खोल के दिखाएं, आपको दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। इसको आराम से हटाएंगे, ताकि ये हिले ना। अगर हिल जाएगी तो अभी भी ये सूख सकती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें से पत्ते निकल आए हैं, अच्छे से पत्ते, ये देखिए, बहुत ही हरे से। इसको अभी भी छाया में ही रखेंगे हम, धूप में नहीं रखना है। मिट्टी अभी भी इसकी गीली है, पानी अभी भी इसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये हमारा पौधा एक तैयार हो गया। तो इस तरह से आप भी अपने घर में आसानी से गुड़हल की कलम लगा सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कलम लगाने का सबसे अच्छा मौसम जो है बरसात का होता है। बरसात के मौसम में कलम अच्छे से लग जाती है, इस तरह से। अभी 1-2 महीने में इसी में रखेंगे, उसके बाद इसको मैं किसी गमले में शिफ्ट कर दूँगा 2 महीने बाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ गार्डनिंग से जुड़ी हुई। इस तरह से तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।